हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है और वो टॉपिक रहने वाला हमारा ब्लैक पेस्टेड ईएमएमसी हो या यूएफएस हो या फिर सीपीयू निकालना। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि ब्लैक पेस्टेड, वो भी नॉर्मल ही मैं हार्ड वाला। जो मैं आज मदरबोर्ड यूज करने वाला हूँ ना वो ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा नॉर्मल है, मतलब बोलूँ तो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आपने ऐसे फ़ोन पर प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपको ब्लैक पेस्टेड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपको इसमें मैं दो तीन चीज़ गाइड करूंगा जो कि कैसे मैं ब्लैक पेस्टर निकालूँ ताकि उसमें से हमारी बॉल, जो अंदर की बॉल है, वो डैमेज ना हो, किस तरीके से निकाले कि हमारा बोर्ड ना फूले, किस तरीके से हम काम करें कि हमारा यूएफएस और सीपीयू ज़्यादा हीटिंग की वजह से डेड ना हो। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना। और मैं स्पेशली फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ जो पहले कभी भी काम नहीं किया सीपीयू ईएमएमसी का, तो डायरेक्ट आप ऑन कस्टमर का फ़ोन पे काम ना करें। आप मार्केट से 4-5 स्क्रैप बोर्ड खरीद लो और उस पर पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद में आप ऑन फोन पे काम करना कस्टमर के फ़ोन पे, ठीक है। अभी क्या, आप हमारे वीडियो देखोगे, आपके पास कोई कस्टमर का फ़ोन आया सीपीयू का फॉल्ट, आपने डायरेक्ट सीपीयू निकालोगे तो बहुत सारे आप प्रिंट डैमेज कर दोगे, ठीक है। तो उससे पहले आप 5-6 मार्केट से स्क्रैप बोर्ड जो कि आपको 200-250 में मिल जाएंगे ब्लैक पेस्टेड, आप लो, आप उस पर काम करो, उस पर प्रैक्टिस करो, उसके बाद में कस्टमर के बोर्ड पे काम करो, ठीक है। तो आज वीडियो में बिल्कुल क्लियर आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, पहले स्क्रैप पे काम करना फिर कस्टमर के फ़ोन पे काम करना। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे और चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ मैं गाइड करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारे पास में एक मदरबोर्ड है जो कि एक 5G चिपसेट के साथ में है ये, और हम अभी इसका यूएफएस निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप वन, आपको ग्लू कट करना है। और ग्लू कट करने के लिए आपके पास एक स्क्रैपर होना चाहिए जिसका नॉक ना आपको बिल्कुल सुई जैसे पतला नहीं रखना, उसको आपको स्क्रैच करके ना बिल्कुल बना लेना है आगे से राउंड शेप में कि वो डायरेक्ट बोर्ड को कट ना करे। और आपको जहाँ पे हीट रखना है 320 हीट रखना है और एयर आपको 2 रखना है अगर आप क्यूक 857DW+ यूज कर रहे हो। तब अगर आप 861 क्यूक का जो आता है, क्यूक 861DW+ आप यूज करो तो आप यहाँ पर एयर आपको 50 रखना है और टेम्परेचर सेम 320 रखना है। तो आपको पहले क्या करना है, चारों साइड की जो ग्लू है ना उसको अच्छे तरीके से काट लेना, और यहाँ पे ना ज़्यादा हार्ड आपको स्क्रैपर नहीं यूज करना है, स्क्रैपर बिल्कुल नॉर्मल हाथों से चलाना है। जैसे आप एक अपने हाथ पे स्क्रैपर चलाओ और इस हिसाब से चलाना कि आपके फ़ोन पे वो टच तो करे, सॉरी मतलब आपके स्किन पे टच करे, बट आपके स्किन पे कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए। वही प्रेशर से आपको मदरबोर्ड पे काम करना कि स्क्रैपर हमारा मदरबोर्ड पे टच तो हो लेकिन स्क्रैच नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रैपर चलाना है। बहुत लोग यही करते हैं, स्क्रैपर ज़्यादा हार्ड चलाते हैं, उसके वजह से हमारी लाइनें डैमेज हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि हमने इसका चारों साइड से ग्लू कट कर लिया है। अब ग्लू कट करने के बाद में अब बारी आती है मैं सीपीयू को उठाने का। तो सीपीयू जो मैं उठाने वाला हूँ सेम यही स्क्रैपर से, जिस स्क्रैपर से हमने ग्लू को काटा है यही स्क्रैपर से मैं यहाँ पे इसका यूएफएस उठाने वाला हूँ। अब आपको यहाँ पे यूएफएस निकालने टाइम कितना हीट टेम्परेचर रखना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आज गाइड करूँगा। और सबसे पहले आपको एक स्पेस ढूंढना है कि कहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे मस्ट भी ध्यान देना है कि आपके जो यूएफएस के बगल में जगह कहाँ से है कि आप स्क्रैपर इंसर्ट कर सकते हो और वहाँ से आप अपने सीपीयू या यूएफएस ईएमएमसी को आप उठा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोजल मैं यूज करने वाला हूँ, हल्का बड़ा साइज का यूज करने वाला हूँ, जिसका साइज इस वीडियो में मैंने ध्यान नहीं दिया, मेंशन नहीं किया, बट जो सबसे पतली वाली है ना उससे बीच वाली, इसमें 3 साइज आती है ना, तो आपको बीच वाला साइज जो है ना वो यूज करना है आपको। और यहाँ पे आपको जो निकालने टाइम में हीट रखना है वो आपको 350 या 360 आप रख सकते हो अपने हिसाब से, अपने हैंड स्किल के हिसाब से। और एयर आपके पास क्यूक 857DW तो एयर आप 3 रखें, अगर आपके पास में 861DW है तो आप उसमें एयर 70 रख सकते हो। और आपको फोकस करना है अगल बगल के कंपोनेंट पे, आप हीट तो दे रहे हो यूएफएस पे या फिर सीपीयू निकाल रहे हो तो सीपीयू पे, लेकिन जो आपको ध्यान देना है ना वो आपको अगल बगल के कोई कैपेसिटर हिला कर देख लेना। जैसे ही अगल बगल का कोई भी कैपेसिटर हिलने लगे तो आपको साइड से हल्का हल्का स्क्रैपर डाल के सीधा उठा लेना। जाहिर सी बात, 1-2 कंपोनेंट निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पेस थोड़ा जब जहाँ पे कम होता है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि 1-2 कंपोनेंट आपके इधर उधर मिस हो सकते हैं। तो नीचे में आप देख सकते हो कि मेरा एक रजिस्टर मिसिंग हो चुका है,
ये अपने साइड से थोड़ा सा इधर हिल गया तो इसे इजीली मैं फिक्स करूँगा, हल्का बस फ्लक्स दे के इसे हम सही वे पे ला सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। और आपको मैं दिखाऊंगा भी कि मेरा इसमें एक भी प्रिंट डैमेज नहीं हो, अगर कोई प्रिंट निकलेंगे भी तो वो हमारा एनसी पॉइंट निकलेगा, क्योंकि एनसी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, एनसी बहुत कमज़ोर पैड रहते हैं इसलिए वो निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा रजिस्टर हुआ था डिस्टर्बड वो सही हो चुका है। अब जो हमारा काम है, सबसे पहले काम है हम क्लीन करेंगे यहाँ पर UFS को, और UFS को कैसे क्लीन करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। मैं भी यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल टूल नहीं यूज करने वाला हूँ, जो भी है नॉर्मल सारा जो आपके शॉप पे इजीली अवेलेबल हो। और जो मैं स्क्रैपर यूज कर रहा हूँ वो कुनाली का 007 है। तो आपको यहाँ पे प्रोसेस बताता हूँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फ्लक्स लगाना है अपने UFS या CPU जो भी हो, उस पर आपको फ्लक्स देना है। उसके बाद में जो हमारे पास रांगा या फिर आप यहाँ पे PPD भी यूज कर सकते हो, PPD 183 वाला भी देखे आप रिसोल्ड यहाँ पे कर सकते हो। ये सबसे पहले आपको करना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होगा कि जो भी हमारे जो पेस्टेड है यहाँ पे पेस्ट है ग्लू है वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, निकल जाएगा बहुत आसान से। यहाँ पे सारा काम मैं सोल्डिंग आयरन से करूँगा और जो SMD का टेम्परेचर है वो 350 में रखूँगा, और इसके बाद का काम जो भी है मैं उसी से करूँगा। तो अभी जो मैं यहाँ पे ग्लू कटिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने SMD का हीट 320 रखा है और एयर को मैंने रखा है 50 पे, क्योंकि मैं सुगोन का 8610 यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास में 857 DW है तो आप यहाँ पे एयर 2 रख सकते हो और हीट को 300 या 310 पे रख सकते हो, 320 जो भी मर्जी है, बस आपको हैंड स्किल पे डिपेंड करना है कि एक जगह हमारा प्रॉपर हीट कहीं नहीं पड़े, सब जगह प्रॉपर आपका हैंड मूव होते रहना चाहिए। अगर प्रॉपर आप एक जगह हीट दोगे तो हमारी UFS भी डेड हो सकती है, ठीक है। तो आपका जो हैंड है वो मूव होते रहना चाहिए हल्का हल्का राउंड शेप में। तो जो भी था ग्लू इसका निकल चुका है, अब इसका हम डिसोल्डर वायर से बोर्ड को पूरी तरीके से क्लीन करेंगे। इसके सारे पैड को हम क्लीन कर लेते हैं डिसोल्डर वायर के थ्रू से। और जो भाई हमारे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। तो मैं यहाँ पे अभी यूज कर रहा हूँ 183 PPD, इससे होगा क्या जो मैं इसका बेनिफिट आपको बताता हूँ। कुछ कुछ जो बॉल हैं हमारे ब्लैक हैं वो सही हो जाते हैं इससे, और कुछ जो छोटे छोटे ग्लू होते हैं सारा जब हम इसे रिसोल्ड करते हैं सोल्डिंग आयरन से तो सारा मेल्ट होकर डिसोल्डर वायर के साथ में निकल जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 183 PPD दिया और उसके बाद में मैं पूरे UFS पे इसे चलाऊँगा। इससे होता है बहुत अच्छी बेनिफिट है ये चीज़ करने से, ईजिली जो जो हल्का फल्का जो इस पर ग्लू लगा हुआ रहता है वो निकल भी जाता है, प्लस में जो हमारे बॉल ज़्यादा ड्राई या ब्लैक हो जाते हैं कुछ कुछ वो भी सही हो जाते हैं इससे। तो रिबॉलिंग करने में हमारे ज़्यादा परेशानियों झेलना नहीं पड़ता। और आप देख सकते हो कि एक बार में हमारा पूरा UFS क्लीन हो चुका है, दोबारा डिसोल्डर वायर चलाने का ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना, चारों साइड आपको एक ऐसी वाली ब्लेड लेना है, कोई 4 नंबर ब्लेड ले लो या फिर आप ऑपरेशन ब्लेड ले लो, चारों साइड में जो हल्की हल्की ग्लू लगी है वो ब्लेड के थ्रू आप उसे साफ कर सकते हो। ये हो गया हमारा क्लीन। ये वीडियो जो हमारा बनाने का मेन पर्पस है स्पेशल फॉर फ्रेशर्स के लिए, जो कभी भी ब्लैक पेस्टेड पे काम करने से डरते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि UFS बिल्कुल क्लीन हो चुका है, दोबारा हमें इस पर कुछ भी डिसोल्डर वायर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। देख सकते हो बिल्कुल क्लीन, कोई भी डैमेजेस नहीं, ना ज़्यादा हमारा UFS पे स्क्रैच। कितने आप देखोगे कि UFS पे स्क्रैच कर देते काम करते करते, लेकिन यहाँ पे ज़रा भी आपको स्क्रैच नहीं मिलेगा। अब जो काम है, अब है काम हमारा मदरबोर्ड को क्लीन करना। और मदरबोर्ड का क्लीन करने का तरीका आपको बहुत आसान बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे हमारे कुछ भी वॉल डैमेज नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अब मदरबोर्ड को जो क्लीन करने का तरीका है बहुत ही आसान है। आपको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और आपके हैंड स्किल यहाँ पे बहुत मायने रखता है। आपके हाथ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जब तक ये बैलेंस आपके हाथ में नहीं होगा आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो अपने हाथ को 2-3-4 बार बोर्ड पे काम करो, एकदम बिल्कुल हाथ ऑटोमेटिकली बैलेंस में आ जाएगा।
और आपको क्या क्या टूल्स यूज करना है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना दूंगा। आप अगर इस वीडियो पे आप ज़्यादा नहीं, अगर 10 कमेंट भी आ गए कि कौन सा टूल मैं यूज करता हूँ और कौन सा टूल यूज करना चाहिए जो कि हमारे लिए चीप यानी कि सस्ता भी हो और अच्छा हो, तो आप कमेंट करना, अगर 10 कमेंट भी आ जाएंगे तो मैं एक स्पेशल वीडियो आपको टूल्स के ऊपर में बना दूंगा कि एक चीप प्राइस रेट में हम कैसे UFS का माइक्रो लेवल तक का काम कर सकते हैं। तो जो मैं यहाँ पे आप देख रहे हो क्लीनिंग का प्रोसेस, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे फर्स्ट में फ्लक्स लगाया, उसके बाद में हल्का हल्का जो हमने रंगा लिया और सारे बॉल जितने भी मदरबोर्ड पे हमारे बॉल्स है सब पे मैं चला रहा हूँ। उससे होता क्या है कि जितने भी जो हमारे पहले से जो PPD है वो आपको पता है कि वो हार्ड ज़्यादा होते हैं, और जब हम उसमें रंगा तो रंगा भी हमारा 183 ही होता है, तो दोनों मेल्ट होकर नॉर्मल हो जाते हैं। फिर जब हम डिसोल्डर वाइट चलाते हैं तो ईजिली वो हमारा निकल के बाहर आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारा पहले तो रिसोल्ड करा सोल्डिंग आयरन से, उसके बाद में डिसोल्डर वायर की सहायता से हल्का हल्का निकाला, फिर मैं जो ग्लू हमारे मदरबोर्ड पे लगे हैं वो मैं सोल्डिंग आयरन से ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। और सोल्डिंग आयरन को मैं इस तरीके से चला रहा हूँ कि वो मदरबोर्ड पे टच तो हो रहे हैं बट स्क्रैच नहीं हो रहा, अपने हाथ पे बैलेंस बनाना है कि वो मदरबोर्ड पे तो चले लेकिन हमारे कोई बॉल्स डैमेज ना हो, ना बोर्ड में स्क्रैचेस आए, बिल्कुल ऊपर मतलब हल्का खाली टच होना चाहिए, लगे कि हाँ मदरबोर्ड पे टच हो रहा है। फिर आपको जितने ग्लू है ग्लू को काटते चल जाना, जैसे हम ब्लेड से काटते हैं ना उस तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से ग्लू आपका निकल जाएगा। बस इसके लिए क्या चाहिए, आपको हाथ में बैलेंस चाहिए, जो कि आप जैसे ही 5-6 स्क्रैप बोर्ड पर काम करोगे तो आपके हाथ में वो बैलेंस आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप ज़्यादा नहीं 4-5 बस स्क्रैप मदरबोर्ड खरीदो, आपके हाथ में वो बैलेंस आना ही आना है जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब। और मेरा मेन मकसद ये वीडियो बनाने का है आप लोगों को मोटिवेट करना कि ब्लैक पेस्टेड कुछ नहीं होता, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए काम करने का, आप कर सकते हो इजीली। तो आप देख सकते हो कि जो जितने भी ग्लू है ना मैंने यहाँ पे स्क्रैपर जरा भी यूज नहीं करा और मेरा एक भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ। जो आप देख रहे हो कि प्रिंट कुछ डैमेज है वो सारा NC पॉइंट है, तो उससे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक बार थिनर देके से क्लीन करूँगा और एक बार फाइनल में एक बार मैं डिसोल्डर वायर चलाऊँगा, क्योंकि जो इसके पहले डिसोल्डर चलाया था मैंने पूरे पे नहीं चलाया था, बस थोड़ा सा बीच में चलाया था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक दूसरे से प्रिंट जो रंगा था सब एक दूसरे से ज़्यादा जुट चुके थे। तो यहाँ पे जो भी बॉल पैड निकले हुए हैं वो घबराने की बात नहीं है, वो सारा का सारा NC है, ठीक है। और मदरबोर्ड पे आप देख रहे होगे जो कटर का स्क्रैच है, जो ग्लू टाइम काटते टाइम आया, ये क्यों आया जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा स्क्रैपर है वो बिल्कुल न्यू है और उसके नीचे का जो पॉइंट है मैंने उसे स्क्रैच नहीं करा, यही गलती है। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि क्या गलती था स्क्रैपर, मैं स्पेशल उस पर 1-2 मिनट की वीडियो बना दूंगा कि आपके स्क्रैपर को किस तरीके से उसे फ्रेश करके रखना है ताकि मदरबोर्ड पे जब आप काम करोगे तो ये गलती आपसे नहीं होगा। मैं पहले वाला स्क्रैपर यहाँ पे यूज नहीं कर रहा था क्योंकि मैं ये काम अपने शॉप पे कर रहा था और न्यू वाला जो ओल्ड वाला स्क्रैपर था वो घर पे काम करता था वहाँ पे छूट गया था, इसलिए मैं यहाँ पर न्यू स्क्रैपर यूज कर रहा था, ब्लेड जो हमारी थी न्यू थी, इसके कारण से हल्का स्क्रैच लगा मदरबोर्ड पर बट कटा नहीं है, टेंशन नहीं लेना। बट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको स्क्रैपर को किस तरीके से राउंड शेप में रखना है, बिल्कुल जो उसकी जो मेन वाली नोक होती है, नोक ज़्यादा धारदार नहीं होना चाहिए, उसे आप जो रेती आता है ना उस पर स्क्रैच करके उसे बिल्कुल राउंड शेप में कर लो, जैसे हमारी जो पेन होता है ना पेन लिखते हैं तो उसके कॉर्नर राउंड शेप में रहती है, वही राउंड शेप में लेके आना है। तो आप देख सकते हो कि हमारा बोर्ड कम्प्लीटली कितना फ्रेश हो चुका है, बिल्कुल कोई भी ज़्यादा डैमेजेस नहीं, ना बोर्ड पे स्क्रैचेस है, इसमें जो भी ज़्यादातर पैड्स निकले हुए हैं वो NC ही हैं। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।